आज दिनांक 14/6/2021 दिन सोमवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन दिल्ली रोड मुरादाबाद पर किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर में 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और 11 रक्तदाताओं को किन्हीं कमियों के कारण रक्त नहीं लिया गया। प्रातः 10 बजे से ही रक्तदाता रक्तदान करने हेतु संत निरंकारी सत्संग भवन पर पहुंचने लगे। रक्तदाताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत बुलाया गया तथा रक्तदान दाताओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी को निभाया। रक्तदान दाताओं में रक्तदान करने के पश्चात अत्यधिक उत्साह देखा गया और यह खुशी महसूस कर रहे थे कि इस कोरोना महामारी के समय हमारा रक्त किसी के जीवन बचाने के काम आएगा। रक्तदान दाताओं में सर्वाधिक युवाओं का अधिक योगदान रहा। रक्त एकत्रित करने हेतु जिला अस्पताल की टीम डॉक्टर RS सैनी, मोहम्मद नईम, साधना भटनागर, सुभाष, अमित मौर्य के द्वारा यह रक्तदान शिविर किया गया। रक्तदान शिविर में भगवान दास, परमानंद, परमेश्वरी प्रसाद, मास्टर जय सिंह, हेमलता, सिया राम, गुरनाम सिंह इत्यादि ने इस रक्तदान शिविर में सहयोग प्रदान किया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। विक्रम सिंह नाम मेरा। जी सर, क्या कार्यक्रम चला यहाँ पर? आज यहाँ पर विश्व रक्तदान दिवस पर 14/6/2021 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही रक्तदान शिविर का आयोजन शुरू हो गया था और अब तक लगभग 50-60 यूनिट देने की संभावना है। और संत निरंकारी मंडल दिल्ली द्वारा जो टारगेट है हमारा 100 यूनिट का टारगेट है, लेकिन जहाँ तक है अगर 50-60 यूनिट का आज ब्लड डोनेट हो जाएगा। और ये आज जिला अस्पताल की जो ब्लड डोनेशन की टीम है उसके द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। ये कब कब होता है? ये ब्लड डोनेशन कैंप लगभग साल में 3 बार होता है। एक तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस पर होता है, फिर मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को होता है और इसके बाद जो भी कोई भी डेट मिलती है उसके बाद हमें एक ब्लड डोनेशन कैंप सरकारी अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप द्वारा किया जाता है।